नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के ऐसे महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर जो लगातार पिछले 5 वर्षों से बार बार रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए कि अगर आपने इन 50 क्वेश्चनों को लिख कर याद कर लिया तो आपके पेपर में मिलने वाले साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से अधिकतर क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका। दोस्तों, फलों को पकाने के लिए हम एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो शुद्ध कार्बन का बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। दोस्तों, कार्बन की बात करेंगे तो इससे कई सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पर मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ, इसका आपको आप लिख लीजिएगा कि कार्बन, सबसे पहले याद रखेंगे कि कार्बन एक अधातु होती है। क्या होती है? एक अधातु होती है। सेकंड बात क्या है दोस्तों, कार्बन की परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु संख्या कितनी होती है। तो एटॉमिक अगर नंबर की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 6। अगर बात करेंगे वैलेंसी की, इसकी संयोजकता की, बहुत बार परीक्षा में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो इसकी संयोजकता होती है आपकी 4, जिसको केकुले ने बताया था। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 4 है, इसको आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करेंगे कार्बन की, तो कार्बन के दोस्तों आपके 2 अपर रूप होते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अपर रूप क्या होते हैं। मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि अपर रूप क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ हैं जिनके दोस्तों आपके जो रासायनिक गुण होते हैं, रासायनिक जो गुण हों, दो ऐसे दो या फिर 2-3 पदार्थ से हों जिनके रासायनिक गुण तो समान हों लेकिन उनके जो भौतिक गुण हों ये भिन्न हों, तो ऐसे पदार्थों को आपको इसके अपर रूप कहा जाता है। तो कार्बन के कितने अपर रूप हैं? कार्बन के 2 अपर रूप हैं जिनके रासायनिक गुण तो सेम हैं लेकिन उनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न हैं। तो कौन दो अपर रूप हैं दोस्तों? एक अपर रूप है आपका, उसमें एक अपर रूप है दोस्तों आपका हीरा, इससे आप पाते हैं डायमंड। और एक है आपका, क्या होता है दोस्तों? एक होता है आपका ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक ऐसा शुद्ध पदार्थ, शुद्ध कार्बन का बना हुआ पदार्थ होता है, इसको याद रखेंगे, बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। ग्रेफाइट से कई सारे क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है फिर कुचालक। तो आपके जो ग्रेफाइट होता है ये आपका विद्युत की तरफ से बात करेंगे तो ये विद्युत का क्या होता है? आपका सुचालक होता है। क्या होता है? आपका सुचालक होता है। एक बात और इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे कि सुचालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है। दोस्तों, सुचालक होता है जिसमें विद्युत जो धारा होती है ये आसानी के साथ फ्लो हो सके, बह सके, और कुचालक होती है जिसमें ना बह सके। तो ग्रेफाइट क्या होती है? आपकी विद्युत का सुचालक होती है। इंपॉर्टेंट रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और ग्रेफाइट के बारे में क्या याद रखेंगे? ग्रेफाइट के बारे में दोस्तों याद रखेंगे, इसे अगर आप कागज पर रगड़ते हैं तो यह दोस्तों आपके काला रंग छोड़ता है। काला रंग क्या होता है? काला रंग देता है, इसलिए काला शीशा भी इसे कहा जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि काला शीशा के नाम से किसे जाना जाता है तो सही उत्तर जाएगा आपके ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट के बारे में आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इतनी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में जितनी बातें मैंने भी आपको बताई वो आपके नोटबुक में नोट होनी चाहिए। याद रखें दोस्तों, ग्रेफाइट का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है आपके जो आपकी पेंसिल होती है उसका जो आगे वाला भाग होता है आपके काले रंग का, वो आपका ग्रेफाइट का ही होता है। याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। दोस्तों, आपकी परमाणु भट्टी में विबंधक के रूप में इसका होता है उपयोग, बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग होता है, लेकिन आपके बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी है। कभी और क्वेश्चन लेकर आऊँगा तो मैं आपको हीरा के बारे में भी बताऊँगा। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर मैं विभिन्न प्रकार की वीडियो लगातार लाता रहता हूँ। अगर आप साइंस के और अधिक क्वेश्चन करना चाहते हैं दोस्तों, एक सीरीज मैंने चलाई थी 25 क्वेश्चन आपके साइंस को लेकर, इसको लेकर अभी तक हमारे दोस्तों के 11 वीडियो आ चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, वो लाइनर क्वेश्चन है सारे, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी साइंस एमसीक्यू क्विज नाम की। अगर दोस्तों आप इस प्रकार के नहीं, आप अगर ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन देखना चाहते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, तो भी आपको एक सीरीज चलाएगी, 7 वीडियो अभी तक आए हैं 25 क्वेश्चन की, तो अगर आप इसको भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो यहाँ पर दोस्तों फ्री में बहुत सारी क्लासेस लगातार चलाई जाती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तीसरा क्वेश्चन, किससे शिशु का लिंग निर्धारित होता है? शिशु का जो लिंग होता है, जो होने वाला बच्चा है, ये आपका लड़की होगा या फिर लड़का, ये किससे निर्धारित होता है? माता के क्रोमोसोम से या फिर पिता के क्रोमोसोम से? तो याद रखेंगे दोस्तों, या फिर दोनों से। तो अगर आपसे ऑप्शन में आए तो आप लगेंगे कि पिता के क्रोमोसोम से। तो यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन करने का एकमात्र उद्देश्य है कि आपके कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सके, मैं कई सारी बातें भी आपको बता सकूं। किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है, एक लाइन में याद रखेंगे कि दोस्तों जो आपका पिता होता है ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर नर, और जो माता होती है मैं लिख सकता हूँ मादा, मेल, और आपका फीमेल। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो नर का गुणसूत्र होता है आपके जो आपका, इसमें दोस्तों कुल आपके 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें 22 जोड़ा गुणसूत्र तो अन्य कार्य करता है और एक ही जोड़ा गुणसूत्र होता है जो आपके लिंग निर्धारण के लिए, फिर जनन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है नर में होता है आपके यक्स और वाई, और मादा में होता है आपका यक्स और यक्स।
यहाँ पर दोस्तों इम्पोर्टेंट बात आप याद रखेंगे कि अगर यक्स के साथ इधर जाकर यक्स मिल गया तो दोस्तों हो जाएगा आपका यक्स और होने वाली संतान हो जाएगी आपकी माता या फिर सप्तने की लड़की। लेकिन यहाँ से माता से तो यक्ष हमेशा ही है क्योंकि यक्ष इसके पास ही है और इस तरफ से आ गया वाई, तो हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों आपका यक्ष और वाई और बन जाएगा होने वाली संतान आपके लड़का। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि इस तरफ से तो हमेशा यक्ष आएगा, अगर इस तरफ से यक्ष आ गया तो हो गई लड़की, अगर इस तरफ से वाई आ गया तो हो गया लड़का। तो आपके जो होने वाली स्थिति जो होता है इसका आपके लिंग का निर्धारण किससे होता है, आपके पिता के क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम मतलब होता है दोस्तों आपका गुणसूत्र। और एक स्पेशल वीडियो मैं जल्द से जल्द बनाने वाला हूँ गुणसूत्र के बारे में। अभी तक के लिए जान लीजिए कि मानव में कुल 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको कन्फर्म हो गया होगा तो आप आसानी के साथ लगा देंगे कि किससे शिशु का लिंग निर्धारित होता है, आपके पिता के क्रोमोसोम से। अब आपको याद भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है कि वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों कि जो विटामिन होते हैं जो आपके विटामिन होते हैं इसका आपका इसको डिफाइन किया जाता है आपके टू पार्ट में, इसको आपके टू पार्ट में बांटा जाता है। एक वसा में घुलनशील के आधार पर जो वसा में घुलनशील होता है, एक जो जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील दोस्तों दो विटामिन होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। और वसा में घुलनशील होता है ADEK, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि कौन से ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील नहीं है तो बी और सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। तो आपका सही हो जाएगा विकल्प आपका बी एंड सी सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप विटामिन के बारे में स्पेशल तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि उसका रासायनिक नाम क्या है, उससे कौन से रोग होते हैं, उसकी खोज किसने की है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। छोटा सा वीडियो आपके 10 से 12 मिनट का, सारी बातें वहाँ पर आपको कन्फर्म कराई गई हैं कि रासायनिक नाम क्या है, कौन होने वाला रोग है, सारी बातें दोस्तों यहाँ पर डिटेल्स चलती हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लगातार आते रहते हैं जिससे कि नोटिफिकेशन उसके आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों इतनी बातें हैं विटामिन बी के बारे में, तो विटामिन बी के बारे में थोड़ी चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो विटामिन बी होता है इसका विटामिन बी का वन पाते हैं तो इसका रासायनिक नाम होता है आपका थायमिन। और विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी का दोस्तों आपका रासायनिक नाम हो जाता है आपके एस्कर्बिक एसिड, क्या होता है एस्कर्बिक एसिड हो जाता है, इंपॉर्टेंट बात है। और विटामिन जो सी का प्रचुर स्रोत होता है दोस्तों आपके खट्टे फलों से होता है, और इसकी कमी से दोस्तों हो जाता है आपके स्कर्वी रोग। कौन सा रोग, आपके स्कर्वी रोग हो जाता है। और आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर पढ़ लीजिएगा। और विटामिन बी वन की कमी से आपके बेरी रोग होता है। कुछ बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। इसके बाद चलेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो फल होते हैं, फल इनके अध्ययन को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फलों के अध्ययन दोस्तों कहते हैं पोमोलॉजी। दोस्तों इसको मैंने एक ट्रिक से याद किया है, आप लोग भी इस ट्रिक से बड़ी आसानी के साथ उसको याद कर लेंगे कि दोस्तों जो आपका अनार होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं पोमोग्रेनेट। क्या कहते हैं अनार को, क्या कहते हैं, पोमोग्रेनेट कहते हैं। और दोस्तों ये जो पोमोलॉजी होता है यहाँ पर भी आपको आगे मिल रहा है पोमो, तो इस प्रकार से अनार जो होता है एक प्रकार का फल होता है, तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, की सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया किसने, तो आपके लीवेनहॉक ने। दोस्तों यहाँ पर छोटी सी याद रखेंगे कि अगर बात करें सेल की, कोशिका की, तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में आपके आपके एक अंग्रेज वैज्ञानिक था आपके रॉबर्ट हुक, उसने खोज की किसकी, कोशिका की। किसकी खोज की, कोशिका की खोज की। और दोस्तों इसने जो कोशिका की खोज की थी वो एक प्रकार की मृत कोशिका थी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, तब आपकी की लीवेनहॉक ने। और उसी जीवित कोशिका को इसने आपके जीवाणु नाम प्रदान किया, इसलिए इसे जीवाणु का जनक भी, जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। और इसने ये खोज जबकि 1674 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1674 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था, अब आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन फिजिक्स के, लेंस की क्षमता एसआई इकाई क्या होती है। लेंस की जो क्षमता होती है आपकी, उसकी आपकी एसआई इकाई होती है आपके डायोप्टर। क्या होती है, आपकी डायोप्टर होती है, इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट की यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे तो आपके कुल 7 प्रमुख यूनिट होती हैं, उनके साथ के क्या की इकाई होते हैं वो आप आसानी के साथ याद रखेंगे। बहुत ही सिंपल सा है। शुरू के बारे में आप लोग जानते होंगे कि आपकी लंबाई की क्या होती है, तो मीटर होती है। आपके द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। विद्युत धारा का आपका एम्पियर होता है। आपके पदार्थ की मात्रा का आपका परिमाण का मोल होता है। इस सब चीज़ों का आप लोग याद रखेंगे कि जो तीव्रता का कैंडला होता है, और जो भी चीज़ें समय का सेकंड होता है, आपके तापमान का केल्विन होता है, ये आपके 7 यूनिट आपको जवान पर होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है, तरंग दैर्ध्य जिसे कहते हैं वेवलेंथ, सबसे कम होता है। तो याद रखेंगे कि बैगनी का।
बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम और लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। इसलिए बैगनी कलर सबसे ज़्यादा आपकी बिखरती है और आसमान का रंग आपका क्या होता है, आपका नीला होता है। और ये सबसे कम अब दोस्तों क्या होता है, सबसे कम आपके बिखरती है। इसीलिए दोस्तों आपके अस्पताल के ऊपर जो आपका इस प्रकार से आपका प्लस का निशान होता है आपकी लाल कलर का होता है। और भी चीज़ें जो आपके आसमान से एरोप्लेन से जो आपके सिग्नल दिए जाते हैं खतरे के ऊपर लाल रंग से दिए जाते हैं, क्योंकि वो आपके क्या होता है दोस्तों, वो दोस्तों क्या होता है आपका, वो आपका बिखरता नहीं है, उसकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है, लगभग आपके 7200 एंगस्ट्रम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू रस का पीएच मान कितना दोस्तों, आपका 2.2 होता है और अम्लीय प्रकृति का होता है। प्रकृति तो आप लोग जानते होंगे किस प्रकार से पूरी आपकी लाइन होती है, इसमें दोस्तों आपके बीच में होता है आपका 7 लाइन, तो 0 से लेकर 6.9 तक क्या होता है आपका, अम्लीय प्रकृति होती है। और 7 से 6 7.1 से लेकर आपके 14 तक क्या होती है, आपके सारी प्रकृति होती है। तो समझ के होंगे क्या बात है। और 7 वाला दोस्तों क्या होता है आपका, उदासीन होता है। तो अगर ये 7 से कम होता है तो क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। तो नींबू रस का पीएच मान कितना होता है, 2.2, और यह अम्लीय प्रकृति का होता है। याद रखेंगे दोस्तों, रक्त का परीक्षण बहुत बार पूछा जाता है 7.4, तो क्या होता है दोस्तों आपका, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसे, आपके क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में विद्यमान पसलियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो आपकी विद्यमान पसलियाँ हैं इनकी संख्या आपकी 24 में होती है दोस्तों। आपके जो आपका ये मनुष्य का होता है यहाँ पर, आपका अगर ये पेट वाला इस्तेमाल लें तो यहाँ पर दोस्तों ऐसी पसलियाँ पाई जाती हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इन पसलियों की संख्या आपके 12 जोड़ी में है और 24 कुल है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21वां क्वेश्चन कि अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है, आपके सूक्ष्म जीवों में होता है। कहाँ पर होता है, सूक्ष्म जीवों में। श्वसन दो प्रकार का, एक होता है आपके ऑक्सी श्वसन, एक होता है आपके अनॉक्सी श्वसन। तो जो अनॉक्सी श्वसन होता है उसमें 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, 2 ATP ऊर्जा मिलती है। और जो ऑक्सी श्वसन होता है उसमें हमें 38 ATP ऊर्जा मिलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि अनऑक्सीजन से कितनी ऊर्जा मिलती है, 2 ATP, और ऑक्सीजन से तो 38 ATP, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आखिरकार ये ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है आप लोग जानने का प्रयास कर रहे होंगे, तो मैं आपको थोड़ी सी बातें आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ कि दोस्तों ये हो गया आपका, क्या हो गया, सेल, और ये हो गया आपका न्यूक्लियस। क्या हो गया आपका, न्यूक्लियस। यहाँ पर दोस्तों आपका एक फ्लूइड भरा हुआ है, एक क्या हुआ है आपका, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसे कहते हैं आपकी साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म के अंतर्गत बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, बहुत सारे कोशिकांग हैं। और इसमें एक दोस्तों क्या आपका, एक दोस्तों आपका क्या आपका, माइटोकांड्रिया भी है। माइटोकांड्रिया हिंदी में लिख दे रहा हूँ, सूत्रकणिका जिसे कहते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा कि माइटोकांड्रिया, सूत्रकणिका। और इसी सूत्रकणिका के अंतर्गत दोस्तों आपका होता है आपके ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन फूड का। और जब फूड का जो क्या होता है, तब के ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन इंग्लिश में कहें, ऑक्सीकरण, तो बनती है दोस्तों आपकी ऊर्जा। और ये ऊर्जा आपकी ATP के फॉर्म में बनती है। लेकिन दोस्तों जब आपका ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, जब ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं होगा, आपके अनऑक्सीजन होगा, तो ये ATP काफ़ी कम निकलेगी, और 2 ATP, और ऑक्सीजन अगर है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तब 38 ATP। समझ गए होंगे किस प्रकार की बातें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी ग्रंथि है कौन सी दोस्तों, आपका पीयूष ग्रंथि, जो आपके मस्तिष्क के नीचे वाले भाग में पाई जाती है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। और ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है दोस्तों, और पीयूष ग्रंथि ही दोस्तों हमारी लंबाई को निर्धारित करते हैं, बड़े रहेंगे या फिर छोटे, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, कि ये सब ग्रंथियों को कंट्रोल करने का कार्य करता है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, ये अगर जिसने भी क्वेश्चन बता लिया, जो जिनको भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा, उनकी तैयारी बहुत ही बेहतर है, और साइंस में आप 90% क्वेश्चन करके आएंगे अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पता है कि पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी दोस्तों, की यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी सबसे छोटी ग्रंथि और सबसे बड़ी ग्रंथि दोनों आपके बिल्कुल समीप है। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि और सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत ग्रंथि हो जाएगी। दोस्तों यकृत की बात करेंगे तो ये हमारे शरीर में दोस्तों आपके होता है, और यकृत से ही दोस्तों आपके पित्त रस निकलता है। क्या होता है आपके पित्त रस निकलता है, क्या होता है आपकी पित्त रस निकलता है, इंग्लिश में कहते हैं आपके इसको लीवर, जिगरा भी बहुत लोग कहते हैं जिगर, तो लीवर, यकृत, जिगर, इसमें से आपके पित्त रस निकलता है। और ये जो पित्त रस होता है दोस्तों, ये आपके पित्ताशय में जाकर क्या होता है, गैल ब्लैडर जिसे कहते हैं, उसमें जाकर संग्रहित होता है, और हमारे पाचन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। यकृत में कई सारे कार्य होते हैं जो आपको मैं कभी बताऊंगा, यहाँ पर बताने लगूंगा तो काफ़ी बड़ा लेक्चर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है, तो आपके यूरोक्रोम के कारण। किस कारण, यूरोक्रोम, उसमें एक पिगमेंट होता है जिसके कारण मूत्र का जो रंग होता है अब क्या होता है आपके पीला रंग का हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे
अगर रंग की, तो आपके हीमोग्लोबिन के कारण आपके रक्त का रंग, जो रक्त का रंग होता है आपके ये लाल होता है। मेलानिन के कारण आपके ह्यूमन का जो रंग होता है आपके इनका रंग धारण करता है आपकी मेलानिन पिगमेंट। और दोस्तों आपके जो क्लोरो जो क्लोरो आपके क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसकी वजह से आपकी पत्तियां हरी होती हैं। इस पिगमेंट के बारे में आप आसानी के साथ याद रखेंगे। दो क्वेश्चन और याद रखेंगे कि पौधे अपने आपके पौधे जो भोजन का संग्रहण करते हैं वो आपके स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, और जो आपके एनिमल करते हैं जो आपके जंतु करते हैं वो आपके आपके ग्लाइकोजन के फॉर्म में, हम लोग भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं। आखिरकार दोस्तों होता क्या कि जब आप दोस्तों क्या करते हैं, जब आप किसी भोजन करते हैं तो पर जो आपकी शर्करा होती है जो क्या होता है शुगर होती है, इसको दोस्तों हमारे शरीर के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है, और जो आपकी शर्करा अतिरिक्त बचती है उसको उसमें एक आपका होता है आपका क्या होता है दोस्तों, उसमें एक आपका एक हार्मोन होता है, एक हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन। और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करते हैं दोस्तों, आपके इस शर्करा को, इस शुगर को क्या होता है, इसको आपके शर्करा मतलब कह सकते हैं ग्लूकोज, परेशानी के साथ शर्करा मतलब ग्लूकोज कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, किसे ग्लूकोज कहते हैं। और इसी ग्लूकोज को आप लोग इसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में, इसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपको बता देता है कौन, इंसुलिन हार्मोन। और ये आपके ग्लाइकोजन हमारे फूड स्टोरेज के रूप में हमारे भोजन में संग्रहित हो जाता है, और जब जरूरत पड़ती है जैसे हम लोग भूखे रहते हैं, हमें यहाँ पर कुछ भोजन तो नहीं कर रहे हैं, अब हमें जरूरत है इसकी, तो दोस्तों आपका यहाँ पर एक आपके आपके एक दूसरा एक हार्मोन पाया जाता है आपके ग्लाइकोजन के फॉर्म में, आपके ये होता है वहाँ पर एक हार्मोन और पाया जाता है जो आपके इस ग्लाइकोजन को जो क्या करता है दोस्तों, आपकी फिर से आपके ग्लूकोज के फॉर्म में यहाँ पर बदल देता है और आप लोगों को एनर्जी मिल जाती है। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये इंसुलिन वाला कार्य होता है, ये शुगर वाला कार्य होता है। इसीलिए तो कहते हैं अगर इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में घट जाए तो ये जो आपका शर्करा होती है जब ग्लाइकोजन के फॉर्म में टूटेगा नहीं, और ये शर्करा हमारे ब्लड में लगातार रहेगी, जिसकी वजह से दोस्तों क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें कैंसर, आपके डायबिटीज भी हो सकता है, हमें क्या मधुमेह वाला रोग भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि दोस्तों जो आपका शुगर होता है, जो आपके मधुमेह होता है, ये किसकी कमी से होता है, आपकी इंसुलिन की कमी से। कैसे होता है मैंने आपको बहुत ही डिटेल में सारी बातें यहाँ पर बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया, तो आपके हेनरी बेकरेल ने। किसने, हेनरी बेकरेल ने आपके रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता की आपकी खोज की थी, आविष्कार किया था। रेडियो धर्मिता की बात करूंगा तो मैं डिटेल में सारी बातें बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन का उद्देश्य अधिक क्वेश्चन का, तो थोड़ा सा मैं स्पीड में लेकर चलता हूं जिससे कि आप लोगों के क्वेश्चन का अपडेट हो जाए, वरना ये लेक्चर बहुत ही बड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आपके जे जे थॉमसन ने। किसने, जे जे थॉमसन ने। आपके परमाणु में तीन प्रकार के आपके आपके मूल कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसमें आपके इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, आपकी जो आपके आपके इकाई धना आपकी इकाई ऋणावृत्ति होता है, इसकी खोज आपके थॉमसन ने की थी, इंपॉर्टेंट बात है। और प्रोटॉन की खोज दोस्तों आपकी गोल्डस्टीन ने की थी, जिसका नामकरण आपके रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज आपके जेम्स चैडविक ने की थी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर जो आपका आवेश पाया जाता है, जो आप क्या होता है आपका आवेश पाया जाता है वो होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। लेकिन ये ऐसे नहीं, आगे इसके माइनस रहता है, समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट बात थी। और अगर यही माइनस ना रहे तो प्रोटॉन के आविष्कार के बराबर हो जाता है, और न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता ही नहीं। क्वेश्चन भी ये है कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, आवेश ही, इस पर कोई भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक, आपके जेम्स चैडविक जी ने। न्यूट्रॉन की बात करेंगे दोस्तों, इसके द्रव्यमान की बात करेंगे, इसके द्रव्यमान की बात करेंगे, द्रव्यमान इसका सबसे ज्यादा होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था, दोस्तों प्रथम परमाणु बम आपके 1945 ईस्वी में बनाया गया था, इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको कहते हैं एटम बम। परमाणु बम कब बनाया गया, 1945 ईस्वी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा किरण की खोज किसने की थी, गामा किरण की खोज आपकी विलार्ड ने की थी। किसने की थी, विलार्ड ने की थी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गामा किरण की खोज किसने की, तो विलार्ड ने की थी। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, आपके मैक्स प्लांक ने दिया था, मैक्स प्लांक ने दिया था क्वांटम सिद्धांत। अब क्वांटम सिद्धांत के बारे में भी आपको बताऊंगा, तो सब बातें इनकी बड़ी डिटेल की हो जाती है, इनके बारे में आपको थ्योरी है, बहुत अच्छी थ्योरी हो जाती है। कभी कभी मैं आपको स्पेशल पॉइंट कराऊंगा कि क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, आपके जो आपके रदरफोर्ड ने जो आपका परमाणु सिद्धांत दिया था वो क्या होता है, किस प्रकार से उन्होंने, नील्स बोर ने दिया, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्वांटम सिद्धांत ही जान लीजिए कि मैक्स प्लांक ने भी दिया था, कभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। प्रकाश चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी नाम याद कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पर थोड़ा दोस्तों नंबरिंग में इशू हो गया, 30 के बाद 43वां क्वेश्चन आ गया, और बीच में भी यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गए थे कि हमने यहाँ पर दोस्तों आपके 10 के बाद 21वां क्वेश्चन कर लिया। तो पहले हम ग्यारहवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
तो यहाँ पर आपका 11वां क्वेश्चन है कि रक्त को स्कंदन करने में सहायक होता है। रक्त को स्कंदन मतलब दोस्तों रक्त के जमाने में, रक्त को थक्का बनने में आपका विटामिन के, फिर कैल्शियम, आपका कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है। इंपॉर्टेंट रखिएगा, याद बहुत रखिएगा, ये सब चीज़ें बहुत बार परीक्षा में पूछी भी जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दूसरा है कि भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है कि आपका एनीमिया रोग हो जाता है। लोहे की कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपकी आयरन की प्रचुर मात्रा आपकी पालक में पाई जाती है। अगर आपको एनीमिया रोग हो जाता है तो आपको पालक खाने की सलाह दी जाती है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आयरन में, आयरन की अधिकता पाई जाती है आपकी पालक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर तीन तीन क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि गोबर गैस का प्रमुख अवयव है कि आपका मीथेन हो जाएगा। मीथेन तो कि गोबर गैस का, बायोगैस का, मार्स गैस का एक क्या होता है, महत्वपूर्ण आपके अवयव होता है, महत्वपूर्ण घटक होता है मीथेन का। दोस्तों आपके हरित गैस में, ग्रीन हाउस गैस में भी आपका ग्रीन हाउस हैस भी होती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाने का कार्य करती है। वैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट जो होगा आपके CO2 होता है, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल भी 1947 में जापान में बुलाया गया था इसकी कटौती के लिए। इस सब बात आपके हरित गैस की हो जाती है। पर अगला क्वेश्चन है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो आपका आपका ए बी हो जाएगा। ये सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही होता है, और अगर सर्वदाता पूछे तो आपका ओ माइनस हो जाएगा, ओ माइनस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ए बी प्लस क्या होता है आपका, सर्वग्राही होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गुर्दे जो होते हैं, गुर्दे मतलब कह सकते हैं ब्रिक जिसे कहते हैं किडनी, की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक क्या होती है आपकी, निफ्रन होती है। क्या होती है आपकी, निफ्रन होती है, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। जैसे आपके शरीर की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है आपके सेल, वैसे ही अगर बात करेंगे किडनी गुर्दे की तो आपका निफ्रन शहीद हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और इंपॉर्टेंट पूरे टॉपिक हैं। अगर इसके बारे में पूरा बताया जाए तो एक एक घंटे, आधे आधे घंटे का आपके लेक्चर होगा पूरे निफ्रन के बारे में बताने का। यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। कभी आप लोगों को अगर आप अधिक से अधिक कमेंट आएंगे तो मैं थ्योरी भी आपको जरूर कंप्लीट कराऊंगा। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है कितना, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। क्या होता है आपका, mm आगे होता है इसके m और hg, समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट है पर अगला क्वेश्चन है कि होम्योपैथिक के जनक कौन है, दोस्तों आपके हैनीमैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे आपके, जो हैनीमैन हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे होम्योपैथिक के जनक कौन, हैनीमैन। बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, लगभग 25 बार कम से कम पूछा गया है कि होम्योपैथिक के जनक कौन है, हैनीमैन साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालें किसकी अच्छी स्रोत होती हैं आपके, प्रोटीन की। किसकी, दालें जितनी फल्स होती हैं आपके ये प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती हैं। प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, आपको ये बताने हैं कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन मैंने आपको पीछे और भी दिया था, जिसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएगा। और विटामिन के बारे में, अगर आप लोग विटामिन के बारे में, प्रोटीन के बारे में नहीं, विटामिन के बारे में अगर आप लोग पूरा इस तरह से जानना चाहते हैं तो एक वीडियो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अवश्य देख लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वीडियो लगातार मिलते रहते हैं। अभी दोस्तों 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती होने वाली है, उससे एक वीडियो में लेकर आऊँगा। उससे पहले कि महात्मा गांधी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर 25 से 30 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, इसके लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपका 19वां क्वेश्चन की पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। पीछे मैंने बताया था यकृत से, याद होगा। और यहाँ पर पित्ताशय में जाकर आपका वहाँ पर क्या होता है, संग्रहित हो जाता है। ध्वनि की गति अधिकतम होती है कहाँ पर, दोस्तों की इस्पात में। ध्वनि की गति दोस्तों गैस में होती ही नहीं है, गैस में बहुत कम होती है। निर्वात में वो गति नहीं करता है आपके, निर्वात में गति नहीं करता है, गैस में कम होती है। उसके बाद दोस्तों आपके जल में थोड़ा सा ज़्यादा होती है और ठोस में उससे भी ज़्यादा हो जाती है। और अगर सर्वाधिक की बात करेंगे, अधिकतम की बात करेंगे, तो आपकी इस्पात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का फटना, दूध से दही बनना, या किस प्रकार की क्रिया, दोस्तों आपका ये एक प्रकार की किण्वन क्रिया होती है। और इसकी खोज आपके लुई पाश्चर ने की थी। किसने की थी आपके, लुई पाश्चर ने। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है, दोस्तों के छोटी आंत में। छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके प्रोटीन का पाचन होता है। इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का पाचन होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखें दोस्तों, प्रोटीन का निर्माण आपके 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है, अमीनो एसिड से होता है, अमीनो एसिड से होता है, जिसमें 10 अमीनो अम्ल तो आपके शरीर में आपके होते ही हैं। और 10 अमीनो अम्ल आपको खाकर वहां पर आपको खाने से, भोजन करने से आपको मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अगला है कि गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, दोस्तों गाय के दूध का पीला रंग जो होता है दोस्तों आपके, ये आपके कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण, आपके कैरोटीन के कारण आपकी जो गाय का दूध होता है इसका रंग आपके पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आंसू में दोस्तों आपका लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और ये जो मनुष्य का लार होता है उसमें भी ये एंजाइम पाया जाता है। और ये जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं, बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अगला होने वाला है कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग होता है, तो आपका हीमोफीलिया प्रकार का आनुवंशिकी रोग होता है। क्या होता है, आनुवंशिकी जेनेटिक संबंधी रोग होता है। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, तो ये आपके विब्रियो कोलेरी द्वारा आपके हैजा रोग होता है। याद रख लीजिएगा,
सेरीकल्चर संबंधित किसी आपके रेशम कीट संबंधित आपके सेरीकल्चर से। दोस्तों सेरी से आप लोग साड़ी याद कर सकते हैं और साड़ी से आप रेशम की साड़ी, उस प्रकार से इसको आप समझ कर याद कर सकते हैं कि सेरीकल्चर का संबंध आपके रेशम कीट के अध्ययन से हो जाएगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों दूध में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कि लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? आपके दूध में पाया जाता है। दूध में आपके लैक्टोज आपके शुगर भी पाया जाता है, आपके लैक्टोज शुगर भी पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कैप्सूल का आवरण बना होता है किससे? दोस्तों जो आपके कैप्सूल होते हैं आपके, उसके आवरण बने होते हैं आपके स्टार्च से। किससे? स्टार्च से। और पीछे मैंने बताया था कि जो आपके पौधे होते हैं आपके भोजन का संग्रहण भी स्टार्च के फॉर्म में करते हैं हम लोग, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। सबसे कठोर धातु किसी होती है? आपकी प्लेटिनम होती है, सबसे कठोर धातु। केमिस्ट्री क्वेश्चन है। एपीकल्चर किससे मतलब कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को आपके एपीकल्चर करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आपका अग्नाशय होती है। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ी और सबसे छोटी मिश्रित ग्रंथि होती है, क्योंकि मिश्रित ग्रंथि एक ही होती है आपकी अग्नाशय। तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि या फिर सबसे छोटी मिश्रित ग्रंथि कौन होती है? आपके अग्नाशय होती है। वैसे ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका होगा, और अब आपका होगा तिरलेसवां क्वेश्चन। पीछे मैंने बैलेंस क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को। और 22 फरवरी को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब? 28 फरवरी को। किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपके तुलासने ने। किसने? तुलासने ने आपके लाइकेन की खोज की थी। लाइकेन क्या होते हैं आखिरकार? जो आपके शैवाल होते हैं और जो आपके कवक होते हैं, कवक और शैवाल के सजीवी संबंध को, सजीवी संबंध को आपको लगाते हैं लाइकेन। और सजीवी संबंध क्या होते हैं दोस्तों? के दोनों लोग आपके अलग अलग काम करते हैं। जैसे कवक इनको आपको शैवाल को रहने के लिए स्थान प्रदान करता है और शैवाल फोटोसिंथेसिस करके इसको भोजन प्रदान करता है, इसे कहते हैं सजीवी संबंध। और लाइकेन की खोज आपके तुलासने ने की थी, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कि सापेक्षिता का सिद्धांत दिया था किसने? आपके आइंस्टीन ने सापेक्षिता का सिद्धांत दिया था, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आइंस्टीन को दोस्तों आधुनिक आपके जो भौतिक विज्ञान होता है, मॉडर्न फिजिक्स का जनक भी कहा जाता है। दालें किसकी अच्छी स्रोत होती हैं? पीछे मुझे लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, प्रोटीन की। धातु में किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? धातु में किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? आपके चालन के द्वारा। जैसे आपकी ये धातु है, यहाँ पर अगर इसको आप गर्म करेंगे तो ये जो धातु, ये आपके जो कण होता है, ये अगले कण को ये आपके ऐसे ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं तो ये आपका चालन होता है। तो धातु में किस प्रकार की ऊर्जा गर्म होती है? आपके चालन के द्वारा। सबसे हल्की धातु कौन सी है? आपकी लिथियम। कौन होती है? आपके लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। परमाणु क्रमांक किसका आपका 3 है। कितना है? आपके 3 है। और आपके जो कि द्रव्यमान संख्या होती है आपके कितनी होती है? आपके 7 होती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडली दाब की माप किससे की जाती है? वायुमंडली जो दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसकी माप आपके बैरोमीटर में की जाती है, बैरोमीटर में की जाती है। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा? आपके उत्तल लेंस होता है। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस क्या होता है? आपके उत्तल लेंस होता है। लेंस भी दो होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और उत्तल लेंस आपका प्रयोग किया जाता है आपके कैमरे में होता है, और हम मनुष्य की आंख में भी आपके उत्तल लेंस ही होता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया सफलतापूर्वक 50 क्वेश्चन, और आप लोग की मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन का थोड़ा सा जो कि सेंटर ही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, कभी हमने 1 से लेकर 10 क्वेश्चन किए, फिर हमारा 20 क्वेश्चन आ गया था, लेकिन कंप्लीट करके हमने पूरे 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा ही दिए। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने इन 50 क्वेश्चनों को लिखकर याद कर लिए तो अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको इन्हीं में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। मात्र मात्र 30 मिनट के अंदर हमने 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए और फुल डिटेल में, जिससे कि लगभग 100 क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट हो ही गए, क्योंकि मैंने कई सारी बातें आपको बता दी। बता तो मैं और भी आपको सकता था, लेकिन ये वीडियो घंटों का हो जाता है, मैं ये चाहता नहीं था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा जल्दी वीडियो समाप्त कर दिया। अगर आप लोग चाहेंगे तो जल्द से जल्द एक और पार्ट मैं बना दूंगा 50 क्वेश्चन साइंस के, अगर उसको भी देख लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं ज्ञान तक। धन्यवाद।